Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So, नया साल आने वाला है और I really like this time of the year, जहाँ पर एक हफ्ता बचा होता है पुराने साल में और नया साल आने वाला होता है. Because this is the time जब हम शायद सबसे ज़्यादा optimistic होते हैं चीज़ों को लेकर के, नए साल को लेकर के बहुत उम्मीदें होती हैं. तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने ये सोच रखा है कि 2024 वो साल होगा जब आप डेटा साइंस सीखोगे और एआई को मास्टर करोगे, बिकॉज आपको लग रहा है कि एआई इज़ द थिंग जो दुनिया को रूल करने वाला है अगले 2-4 सालों में, तो फिर ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ. इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप एक साल में डेटा साइंस को मास्टर कर सकते हो. नॉट ओनली मैं आपके साथ एक रोड मैप शेयर करूँगा, मैं आपके साथ वो सारे हैक्स शेयर करूँगा जो मैंने अपने अच्छे स्टूडेंट्स में देखा है जिन लोगों ने जॉब्स क्रैक की. मैं आपके साथ कॉमन मिस्टेक्स भी शेयर करूँगा जो मैंने देखा है अपने कुछ स्टूडेंट्स में, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत परेशानियाँ हुई. और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ रिसोर्सेज जो आपको वो रोड मैप कवर करने में हेल्प करेगा. और लास्टली आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस रोड मैप, लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, रोड मैप शुरू करते हैं. मैंने इस पूरे रोड मैप को 5 लेवल्स में डिवाइड कर रखा है. मेरा अजम्पशन ये है कि आप लोग सारे के सारे बिगिनर्स हो, बट लेट्स से अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आप आइडेंटिफाई कर लेना कि आप कौन से लेवल पर हो. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लेवल, ऑल द लेवल्स आर कनेक्टेड. तो लेवल वन है प्रिपरेशन. तो आप डेटा साइंस अगर सीखना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप डायरेक्टली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो सही स्टार्ट नहीं होगा. आपको पहले खुद को थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है. तो मेरे हिसाब से आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए इन ऑर्डर टू लर्न मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस. उनमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो है कोडिंग. डेटा साइंस विदाउट कोडिंग के पढ़ पाना या अप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वॉट एवर आइडियाज यू हैव टू इम्प्लीमेंट देम यूजिंग कोडिंग. तो कोडिंग इज अ मस्ट. अब कोडिंग में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं. आपको पाइथन पढ़ना है बिकॉज पाइथन इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड. आज की डेट में अगर आप इंडस्ट्री में जाओ या फिर आप रिसर्च में जाओ, दोनों जगहों पे आपको दिखाई देगा कि लोग पाइथन ही यूज कर रहे हैं. तो अच्छी बात यह है पाइथन की कि इट इज वन ऑफ दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसको मास्टर कर पाना कंपेरेटिवली ईजी है इन इफ यू कंपेयर इट टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ऑल्सो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितना पाइथन हमें सीखना चाहिए. तो मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आपको एकदम सॉफ्टवेयर डेवलपर वाले लेवल पे ऑपरेट नहीं करना होता. मे बी आप उनका 70% लेवल पे भी अगर आप ऑपरेट करोगे, उतना भी अगर आपको पाइथन आता है, तो फिर आप सफिशियंटली प्रिपेयर्ड हो डेटा साइंस पे पाइथन अप्लाई करने के लिए. तो क्या क्या सीखना चाहिए पाइथन में, एक बार मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले तो आपको बेसिक सिंटेक्स जो है पाइथन का, उस पर पूरा कमांड होना चाहिए. वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, इफ एल्स कैसे लगाते हैं, लूप्स कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए. एक और कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए वो है फंक्शंस. डेटा साइंस मशीन लर्निंग में आप हजारों फंक्शंस क्रिएट करोगे. यू वुड नॉट इवन थिंक बिफोर क्रिएटिंग अ फंक्शन, इतना ज्यादा यूबिक्यूटस है. तो आपको फंक्शंस क्रिएट करना आना चाहिए. एक और चीज जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो है ओओपी का अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर क्या हमें डेटा साइंस के लिए ओओपी की जरूरत है. द आंसर इज येस. देर आर सर्टन प्लेसेस जहां पर आपको ओओपी का कोड लिखना पड़ता है, तो आपको आना चाहिए. एंड लास्टली आपको कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स आने चाहिए, जैसे कि फाइल हैंडलिंग कैसे किया जाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे किया जाता है, सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. और इसके अलावा आपको कुछ लाइब्रेरीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि फ्लास्क एक लाइब्रेरी हुआ, ब्यूटिफुल सूप एक लाइब्रेरी हुआ जिसको यूज करके आप वेब स्क्रैपिंग करते हो, रिक्वेस्ट एक लाइब्रेरी हुआ. तो कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनके ऊपर आपको काम करना आना चाहिए. इतना अगर आपने सीख लिया तो यू आर गुड टू गो. इसके बाद आप मशीन लर्निंग में कूद सकते हो. ठीक है, कोडिंग खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं. एक और चीज जो मुझे लगता है कि बहुत क्रिटिकल है डेटा साइंस सीखने के लिए, आपको बिल्कुल उसके ऊपर कमांड लेना पड़ेगा, वो है मैथ्स. मैं शायद पहला बंदा नहीं हूं जो मैथ्स के ऊपर फोकस कर रहा है.
किसी से भी आप बात कर लो जो भी थोड़ा भी एक्सपीरियंस रखता है डेटा साइंस में, वो आपको एक ही बात बोलेगा कि मैथ्स का नॉलेज होना डेटा साइंस में आपको आंखें देता है, आप देख पाते हो डेटा के अंदर क्या चल रहा है। तो मैथ्स आपको आना चाहिए। मैथ्स में क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको स्टेटिस्टिक्स अच्छे से आना चाहिए। स्टेटिस्टिक्स में भी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स तो आप पढ़ोगे ही, आपको इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी पता होनी चाहिए, काफी यूज होता है मशीन लर्निंग में। अगर आप बात करो कैलकुलस की, तो कैलकुलस में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस आना चाहिए, बेसिकली डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, इन जनरल थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स होता है वो आपको पता होना चाहिए। एंड लास्टली एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लीनियर एल्जेब्रा, बेसिकली वेक्टर्स, मेट्रिसेस, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत अप्लाई होते हैं, स्पेशली जब आप आगे जाके डीप लर्निंग पढ़ोगे तो यू वुड सी कि डेटा को स्टोर करने के लिए आप इन मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स का यूज करते हो। मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज वो गलती मत करना जो मैंने किया है और बहुत लोग और करते हैं, कि मैथ्स को पहले अच्छे से पढ़ते हैं ये हम लोग सोच के आगे बढ़ते हैं, और 6 6 महीने हम लोग मैथ्स ही पढ़ते रह जाते हैं। तो ये गलती मत करना, मैंने की है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग गलती है। 6 मंथ्स पार हो जाते हैं, ना मैथ्स आता है ना डेटा साइंस आता है। आपको क्या करना होता है, आपको बहुत स्मार्टली कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करने हैं मैथ्स में। कौन से टॉपिक्स हैं मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। वो टॉपिक्स पढ़ने का गोल बस इतना है कि फ्यूचर में जब आप डेटा साइंस पढ़ रहे हो, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स पढ़ रहे हो, तो वहां पे जो मैथ्स आपको दिखाई दे रही है आप उसको समझ पा रहे हो, यू आर फीलिंग लिटरेट। इस गोल से आपको मैथ्स पढ़ना है। आपको ये नहीं करना है कि आपको कोई एग्जाम निकालना है इसलिए आप सारा का सारा मैथ्स कर रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, नहीं। बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, और फिर ऑन द गो जब आपको लगता है कि यार और कुछ नया टॉपिक मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो ऑन द गो आपको पढ़ते जाना है। बट या यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट अबाउट स्टडिंग मैथ्स। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जहां पे बहुत लोग आके फंस जाते हैं बिकॉज दे स्पेंड टू मच टाइम एट दिस स्टेप और फिर वो एक्चुअली डेटा साइंस वाला पार्ट कभी पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, तो कोडिंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, एक और चीज आपको आनी चाहिए वो है टूल्स। सो आपको ना कुछ टूल्स का आइडिया होना चाहिए डेटा साइंस में काम करने के पहले। मैं उन टूल्स का आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले है एसक्यूएल, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज भी मुझे लगता है कि 60 70% डेटा जो है कंपनीज का वो डेटाबेसेस में है, और उन डेटाबेसेस से ही डेटा को निकाल के आप काम करोगे। दैट इज वाई आप कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट पढ़ रहे होगे वहां पे आपको एसक्यूएल जरूर दिखाई देगा। तो एसक्यूएल आपको सीखना है। उसके अलावा दो लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जो लाइक डेली बेसिस पे आप यूज करोगे, वन ऑफ देम इज पैंडास एंड द सेकेंड वन इज नमपाई। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं और ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता, ये आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा एक चीज और जो बहुत क्रूशल हो जाती है आपके इस जर्नी में वो है आपका डेटा विजुअलाइजेशन। बेसिकली आपके पास एक डेटा है, आप पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके ग्राफ्स वगैरह प्लॉट कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको कुछ लाइब्रेरीज पढ़नी पड़ती हैं जैसे कि मैट प्लॉटलिब, सीबॉन, और भी कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे कि प्लॉटली एक लाइब्रेरी है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं बट ये 3 मेन लाइब्रेरीज हैं। इनमें से एक दो भी अगर आपने जान लिया समझ लिया काफी है। और इसके बाद आपको एक चीज और पढ़ना चाहिए वो है ईडीए। ईडीए का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अगर आपको एक डेटा सेट दे दिया गया तो क्या आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप पाइथन जैसा टूल लगा के और स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज को मर्ज करके उसके ऊपर एक एनालिसिस रन कर पाओ, इतना आपको आना चाहिए। अगर इतना आता है, आपको कोडिंग आती है, आपको मैथ्स के प्रिंसिपल्स आते हैं और आपको ये टूल्स इस्तेमाल करने आते हैं, तो मुझे लगता है आपका लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड टू स्टडी अबाउट डेटा साइंस। अभी तक आप डेटा साइंस के बारे में नहीं पढ़ रहे थे बट नाउ यू आर रेडी टू स्टडी अबाउट डेटा साइंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पे जहां पर आप एक्चुअली डेटा साइंस पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट बिकॉज यहाँ पर आपको वो सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी जिनकी खोज में आप डेटा साइंस की फील्ड में आए हो। तो यहाँ पर मैंने 3 ब्लॉक्स बना रखे हैं, और सबसे पहला जो ब्लॉक है वो मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग ब्लॉक है बिकॉज ये ब्लॉक है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का। तो मशीन लर्निंग इज
वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ दीज एल्गोरिदम्स. पढ़ने में भी मजा आता है, अप्लाई करने में भी मजा आता है, रिजल्ट देख के भी मजा आता है. द ओनली प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, मेरे हिसाब से 15-20 एल्गोरिदम्स हैं, और अगर आप मैथमेटिकल डेप्थ में जाके पढ़ने लगो तो हर एल्गोरिदम आपका 2-2 हफ्ता ले सकता है. ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम स्मार्टली पढ़ाई करेंगे. हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उन एल्गोरिदम्स पे पहले नजर डालेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर जो कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स है जो शायद उतने यूजफुल नहीं है या उतने फेमस नहीं है, उनको हम बाद में आके कवर करेंगे. तो इफ यू आस्क मी, 3 टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा. सबसे पहला और सबसे ज्यादा फोकस आपका जिस पे होना चाहिए वो है लीनियर मॉडल्स. मेरे हिसाब से सबसे पुराने होंगे, बट आज भी इनको बहुत यूज किया जाता है और इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में. इसके अंदर आता है आपका लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और थोड़े हद तक SVM. ये 3 एल्गोरिदम्स आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट हमेशा से रहे हैं, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इनके ऊपर आपको काफी फोकस देना है. उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स जो है वो है ट्री बेस्ड मॉडल्स. इनके अंदर आता है डिसीजन ट्रीज, ग्रेडियंट बूस्टिंग, XG बूस्टिंग, रैंडम फॉरेस्ट. आई एम श्योर आपने ये सारे नाम सुने होंगे. दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स, ये भी आपको अच्छे से कवर करने चाहिए. और ये तो बात हो गई सुपरवाइज मशीन लर्निंग की. इसके अलावा आपको थोड़ा सा अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग पे भी फोकस करना चाहिए, और इसमें मैं आपको ज्यादा एल्गोरिदम्स कवर करने को नहीं बोलूंगा इनिशियली, बट आपको PCA अच्छे से कवर करना चाहिए, K-means अच्छे से कवर करना चाहिए, और एक और एल्गोरिदम आई वुड रिकमेंड DBSCAN आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए. ये 3 एल्गोरिदम्स अगर आपने पढ़ लिए, मेरे हिसाब से एक लेवल पे यू आर गुड टू गो, आगे आप मूव कर सकते हो. आगे चल के फिर आपके पास जब थोड़ा टाइम बचेगा इंटरव्यूज के पहले, तो आप वापस आके बाकी के एल्गोरिदम्स पढ़ सकते हो. आप नाइव बेस पढ़ सकते हो, आप KNN पढ़ सकते हो, ये सारे उतने डिफिकल्ट एल्गोरिदम्स नहीं है, तो कम टाइम में भी मैनेज हो जाएगा, बट आपको ज्यादा टाइम इन एल्गोरिदम्स पे स्पेंड करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि डेटा साइंस मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, बट ऐसा नहीं है. जब आप एक प्रैक्टिकल टास्क के ऊपर मशीन लर्निंग अप्लाई करने जाओगे, तो यू वुड रियलाइज कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, और उन प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना पड़ता है, तब आप उसके ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हो. तो यहाँ पर आता है सेकेंड पार्ट ऑफ लेवल 2. आपको कुछ मशीन लर्निंग टेक्निक्स आनी चाहिए, इनके बिना ट्रस्ट मी आप अधूरे हो. सिर्फ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पढ़ के कुछ नहीं होने वाला. तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है, उसको बुलाया जाता है फीचर इंजीनियरिंग. फीचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपके डेटा में जो फीचर्स हैं, जो इनपुट कॉलम्स हैं, उनके ऊपर आप क्या क्या तरीके का इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हो, सो दैट वो ज्यादा यूजफुल बन पाए. तो यहाँ पे बहुत तरह की चीजें आती हैं, फीचर नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यू है तो उसको कैसे हैंडल करना है, अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें आप फीचर इंजीनियरिंग में हैंडल करते हो, तो ये बहुत क्रिटिकल है. इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स आपको सीखनी सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे किया जाता है. सो आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, और उनकी सही वैल्यू निकालना बहुत क्रिटिकल है, तो वो सीखना कि वो सही वैल्यूज कैसे निकाला जाता है, वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में आता है. इसके अलावा आप और भी बहुत सारी टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि डेटा लीकेज क्या होता है और उसको अवॉइड कैसे किया जाता है, या लेट्स से आपको एक ऐसा डेटा मिल गया जहाँ पे इम्बैलेंस्ड क्लासेस है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कौन से टूल्स यूज करने हैं. तो ये सब कुछ जो है ये आता है मशीन लर्निंग टेक्निक्स के अंदर. तो आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का भी आइडिया होना चाहिए, और आपको इन मशीन लर्निंग टेक्निक्स का भी आइडिया होना चाहिए. ये दोनों जब आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप एक ऐसे पोजिशन में आ जाओगे कि आप किसी भी तरह का मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. तो अब यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, आपने कोडिंग सीख ली, आपने मैथ सीख लिया, आपने टूल सीख लिए, आपने ML एल्गो सीख लिया, और आपने ML टेक्निक्स भी सीख लिए, तो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू शुड गो एंड सॉल्व सम प्रोजेक्ट्स. कुछ प्रोजेक्ट्स आपको करने चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स आप बनाओ. आज की डेट में बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं कैगल में, जो भी आपको पसंद आता है. जैसे पर्सनली मुझे क्रिकेट से बहुत लगाव है, तो मैं क्रिकेट के आसपास में बहुत इमेजिन कर पाता हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है. तो सिमिलरली आप अपने इंटरेस्ट एरिया के आसपास में डेटा सेट्स को खोजो, और अभी तक आपने जो भी पढ़ा है आप
उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो। ऑब्वियसली अभी जो प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे वो इंडस्ट्री ग्रेड नहीं होंगे, उनको इंडस्ट्री में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता होगा, बट एटलीस्ट आप अभी तक का अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स बनाना इज सुपर यूजफुल। अगर आपने दो तीन प्रोजेक्ट्स भी बना लिए तो फिर आपका लेवल 2 भी अप हो गया है और अब आप रेडी हो लेवल 3 पे मूव करने के लिए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं लेवल 3 पे। व्हाट इज लेवल 3? सो लेवल 3 मेरे हिसाब से थोड़ा नई चीज है और पिछले 4-5 सालों में फेमस हुआ है इंडस्ट्री में। सो सिंस मशीन लर्निंग ऐसे भी थोड़ी नई फील्ड है, पिछले 10-15 सालों में ही कंपनीज ने मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है एट स्केल, तो ये बात उठी है इंडस्ट्री में कि मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स को एंड टू एंड बना करके डिप्लॉय करने में एक स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए और एक सही तरीका है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स को बना करके डिप्लॉय करने का, और उस तरीके को बुलाया जाता है MLOps, ठीक है। तो MLOps इज बेसिकली अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टूल्स विच हेल्प्स एन इंजीनियरिंग टीम टू बिल्ड एंड डिप्लॉय मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स एट स्केल, ठीक है। तो आपको MLOps सीखना बहुत जरूरी है बिकॉज मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स आना या फिर जो नॉलेज है वो होना इज नॉट सफिशियंट। आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि कल को अगर आपको बोल दिया जाए कि ये एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारी वेबसाइट पे जब 1 करोड़ लोग आए तब भी हमारा सॉल्यूशन सही से काम करे, वो ज्यादा बड़ा चैलेंज है। तो MLOps इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग, ये थोड़ा कोडिंग वाला एस्पेक्ट है मशीन लर्निंग के अंदर, डेटा साइंस के अंदर। तो यहाँ पर आपको दो चीजें करनी पड़ती हैं, पहले आपको कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स सीखने होते हैं कि एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट एंड टू एंड बनता कैसे है, और सेकंड आपको उसके अराउंड जो टूल्स हैं वो सीखना होता है। तो प्रिंसिपल में बहुत सारी चीजें आती हैं, वर्जन कंट्रोल आता है, एक्सपेरिमेंटेशन ट्रैकिंग आता है, CI/CD आता है, डिप्लॉयमेंट आता है, मॉनिटरिंग आती है, ये सारे प्रिंसिपल्स आपको सीखने होते हैं। और फिर इनसे एसोसिएटेड जो टूल्स हैं जैसे कि गिटहब, DVC, MLflow, ZenML, और ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं AWS हुआ, GCP हुआ, Azure हुआ, ये आपको सीखना पड़ता है। तो ऑन द होल ये हुआ इंजीनियरिंग साइड ऑफ डेटा साइंस, और ये आपको आज की डेट में अगर आपको आता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको थोड़ा एज देगा इन कंपैरिजन टू अदर्स, बिकॉज आज की डेट में भी जितना मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको MLOps पे उस लेवल का कंट्रोल नहीं है। तो इफ यू आर समवन जिसने 2024 में MLOps अच्छे से सीख लिया, आपके पास डेटा साइंस के फंडामेंटल्स का अच्छा नॉलेज है और फिर आपके पास MLOps का भी अच्छा नॉलेज है, तो यू वुड एक्चुअली बी समवन जो टॉप 5% में आता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सीखने के बाद आई वुड रिकमेंड कि आप फिर से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ। मेरे हिसाब से फिर से आपको 2 प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जहां पर आप अपने डेटा साइंस का पुराना नॉलेज तो पूरा अप्लाई करोगे ही, बट आप इस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से डेवलप करोगे जैसे कि आप किसी कंपनी में डेवलप करते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 प्रोजेक्ट्स पहले के हो गए, 2 प्रोजेक्ट्स ये वाले हो गए, तो 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में इस पॉइंट तक ऐड हो जाने चाहिए। तो अब अगर हम रिव्यू करें हमने क्या क्या सीखा, तो हमने लेवल 1 पे फंडामेंटल सीखे जो जरूरी थे डेटा साइंस सीखने के लिए, लेवल 2 पे हमने एक्चुअल डेटा साइंस सीखा, हमने एल्गोरिदम्स पढ़े, टेक्निक्स पढ़े, प्रोजेक्ट्स बनाए, लेवल 3 में हमने थोड़ा सा उसके ऊपर एक थोड़ा सा ब्यूटिफाई किया उसको, हमने थोड़ा सा पॉलिशिंग किया अपने स्किल्स को और इंडस्ट्री ग्रेड हमने खुद को बना लिया। तो अब क्या बचा, अब बचा है कुछ एडिशनल नॉलेज जिससे आप टॉप 5% से उठ करके टॉप 1% में आ जाओगे। तो लेवल 4 में मैं चाहूंगा कि आप कूद पड़ो डीप लर्निंग में। आज की डेट में AI के स्पेस में जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है वो है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग ने ऐसी ऐसी चीजें अचीव की हैं पिछले 10 सालों में जो शायद ह्यूमंस सोच भी नहीं सकते थे। तो डीप लर्निंग का फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट, और अगर आपने ऑलरेडी डेटा साइंस मास्टर कर लिया है, MLOps मास्टर कर लिया है, फिर कोई भी रीजन नहीं है कि आप डीप लर्निंग ना सीखो। यू शुड डेफिनेटली लर्न डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में इफ यू आस्क मी आपको 3-4 चीजों के ऊपर फोकस करना होता है। सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं, इसको आपको अच्छे से सीखना है। उसके बाद एक दूसरे टाइप का न्यूरल नेटवर्क होता है CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो इमेज टाइप के डेटा पे अप्लाई होता है, उसको आपको सीखना होता है।
उसके बाद आप सीखते हो तीसरा टाइप, जिसको हम आरएनएन बोलते हैं, जो टेक्सचुअल डेटा पे बहुत अप्लाई होता है, सीक्वेंस वाले डेटा पे। और लास्टली आपको कुछ टेक्निक्स सीखनी होती हैं कि हाउ कैन यू इम्प्रूव अ न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, ड्रॉप आउट्स हुआ, रेगुलराइजेशन हुआ, ऑप्टिमाइजर्स हुआ, ग्रेडियंट डिसेंट हुआ, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। और ये बेसिकली जो भी मैंने आपको भी बताया, ये हुआ एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन टू लर्न डीप लर्निंग। बट गेस व्हाट, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, डीप लर्निंग इज अ फील्ड जहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होना सफिशियंट नहीं है। मैं आपको अपना बता सकता हूँ, मैं कई बार वीडियोस देख करके, जस्ट वीडियोस देख करके मुझे लगता था कि यार मुझे डीप लर्निंग आ गई है। बट जब मैं एक डेटा सेट उठाता था और उसके ऊपर डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स अप्लाई करने की कोशिश करता था, मैं अपने रिजल्ट्स अच्छे ला ही नहीं पाता था, एंड इट वाज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एंड देन आई रियलाइज्ड कि डीप लर्निंग इज नॉट ओनली अबाउट थ्योरी, यू एक्चुअली हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल। एंड यहाँ पर फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, प्रेफरेबली 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे भी बनाने चाहिए। और ऑब्वियसली अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो इंडस्ट्री ग्रेड पे बनाओ, एमएल ऑप्स यहाँ पे भी अप्लाई करो, और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो आप इंडस्ट्री में भी जिस तरीके से बनाते। तो डीप लर्निंग आपने मास्टर कर ली, तो अब डीप लर्निंग के बाद क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। डीप लर्निंग के आगे 2 रास्ते बन जाते हैं, और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि दोनों रास्तों पे एक साथ मत जाओ, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करो। तो पहला रास्ता है एनएलपी का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहां पर आप डीप लर्निंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हो टेक्सचुअल डेटा के ऊपर। और दूसरा रास्ता है कंप्यूटर विजन का, जहां पे आप डीप लर्निंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हो इमेज वीडियो बेस्ड डेटा के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहिए अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, इंडस्ट्री के डिमांड के बेसिस पे। जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरा इंक्लिनेशन ज्यादा एनएलपी की तरफ है, तो लेट से आपने एनएलपी को चूज किया, तो आपको अब एनएलपी पे फोकस करना है। एनएलपी खुद में एक बहुत पुरानी फील्ड है और रिसेंटली यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो आपको पहले एनएलपी का फाउंडेशन सीखना पड़ेगा, जो बेसिक चीजें हैं, जहां पर आप सीखते हो कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है, इसके अलावा एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, वर्ड टू वेक क्या होता है, ये जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं ये आपको पहले मास्टर करने पड़ेंगे। उसके बाद आप डीप लर्निंग को कैसे अप्लाई किया जाता है एनएलपी टास्क के ऊपर, वो आपको करके देखना चाहिए, वो बहुत क्रूशल है। और उसके बाद फाइनली व्हेन यू आर इन दिस स्टेज, लास्टली आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी बनाने चाहिए एनएलपी के ऊपर। और बिल्कुल सेम चीज एप्लीकेबल है कंप्यूटर विजन के ऊपर। लेट्स से आपको विजन बेस्ड प्रोजेक्ट ज्यादा पसंद है, तो आपको विजन वाला रास्ता लेना चाहिए। और विजन वाले डोमेन पे किस तरीके से डीप लर्निंग अप्लाई की जा सकती है वो आपको सीखना चाहिए, ठीक है? तो ये अगर आपने कर लिया सही से, दिस विल बी योर लेवल 4। एंड नाउ यू आर ऑल सेट फॉर लेवल 5, द न्यूएस्ट किड ऑन द ब्लॉक। बेसिकली शायद आपने बहुत नाम सुना होगा, जेन एआई एंड एलएलएम्स। सो ये नेक्स्ट फ्रंटियर है डीप लर्निंग का, और बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है वो पिछले 2-3 सालों में हुआ है, और स्पेशली चैट जीपीटी के आने के बाद तो फिर लाइक एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है इस फील्ड में। और आज की डेट में आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कंपनीज, व्हेन दे पोस्ट देयर जॉब डिस्क्रिप्शंस, तो वहां पर एक लाइन में लिखा रहता है कि हम उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगे जिनको जेन एआई और एलएलएम्स में काम करने का आइडिया है। तो हालांकि नई फील्ड है, बट अगर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो अभी तक, तो आप बिल्कुल सही पोजीशन में हो जेन एआई और एलएलएम्स को सीखने के लिए। तो इसको भी 2 स्टेजेस में आप डिवाइड कर सकते हो। पहले आपको जेन एआई और एलएलएम्स के पीछे का जो थ्योरी है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, एलएलएम्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेन होते हैं, उनको कस्टम डेटा पे कैसे फाइन ट्यून किया जाता है, उसके बाद और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंजीनियरिंग साइड ऑफ एलएलएम्स हैं, वेक्टर डीबी क्या होता है, लामा इंडेक्स क्या होता है, लैंगचेन एज अ फ्रेमवर्क काम कैसे करता है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ओपन एआई के एपीआई के साथ काम कैसे किया जाता है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी आप 1-2 प्रोजेक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो जहां पे आपने एलएलएम्स को यूज करके कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किया हो। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप रोड मैप टू मास्टर डेटा साइंस इन 2024। आई विल बी सुपर ऑनेस्ट विथ यू, इफ यू आर अ बिगनर जो लेवल 1 से स्टार्ट कर रहा है, मोस्ट लाइकली आप
2024 में ये पांचों लेवल्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे मोस्ट लाइकली, बिकॉज काफी चीजें हैं पढ़ने को। अगर आप पेशेंस के साथ आराम से पढ़ रहे हो, मोस्ट लाइकली आपसे 1 साल से ज्यादा का टाइम लेगा पूरी चीज कंप्लीट होने में। बट लेट्स से अगर आपने पहले से कुछ चीजें कवर कर रखी हैं, लेट्स से आप ऑलरेडी लेवल 1 पे थे या लेवल 2 पे थे, तो फिर आप लेवल 3, 4, 5 इस ऑर्डर में कंप्लीट कर सकते हो और आप मास्टर बन सकते हो डेटा साइंस का। सो गाइज, आपको ओवरव्यू तो मिल गया। अब मैं आपको कुछ हैक्स बताता हूँ जो मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प करेंगे इतना बड़ा सिलेबस इफेक्टिवली कवर करने में। सो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है पिछले 2-3 सालों में, पेड में भी और फ्री में भी। तो मैंने वहाँ पर कुछ अच्छे स्टूडेंट्स का हैबिट्स ऑब्जर्व किया कि वो कैसे इतने बड़े सिलेबस को इफेक्टिवली कवर कर रहे थे, तो मैंने उन्हीं में से ये पॉइंटर्स निकाले हैं। तो सबसे पहला और बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि आप अपने टाइप का टीचर या फिर अपने टाइप का रिसोर्स अर्ली ऑन फिगर आउट कर लो। आज की डेट में क्या हो गया है कि इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट आ गया है, आप यूट्यूब पे जाके डेटा साइंस सर्च करो, आपको शायद हजारों चैनल्स मिल जाएंगे, राइट? या फिर आप बुक्स सर्च करो तो आपको हजारों बुक्स मिल जाएंगी, हजारों रोड मैप्स मिल जाएंगे। तो इस चीज का बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि आपके पास अच्छा क्वालिटी कॉन्टेंट है, और नुकसान ये है कि आपके पास खराब क्वालिटी कंटेंट भी है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अर्ली ऑन अपने लिए जो काम करता है, जो वर्क कर रहा है, वो आप फिगर आउट कर लो। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, अराउंड 8 साल पहले 2015 के अराउंड मैंने जब पहली बार मशीन लर्निंग टर्म सुना था और आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, मैं पढ़ना चाहता था, तो सभी ने मुझे रिकमेंड किया कि एंड्रयू इंग के जो स्टैनफोर्ड के लेक्चर्स हैं उससे आपको मशीन लर्निंग सीखना चाहिए। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज अ ग्रेट टीचर, प्रोबेबली द बेस्ट वन इन दिस डोमेन, बट मुझे उनके लेक्चर्स ज्यादा समझ में नहीं आए बिकॉज बहुत मैथ्स हैवी था, थोड़ा ड्राई लगता था उनका डिलीवरी स्टाइल, तो मैं छोड़ दिया मैंने मशीन लर्निंग पढ़ना। और ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा रिसोर्स पकड़ लेते हैं, ऐसा टीचर पकड़ लेते हैं, ऐसा रोड मैप पकड़ लेते हैं कि उनका जो लर्निंग जर्नी है ना वो उतना स्मूथ नहीं रहता है, वो बोरिंग हो जाता है या डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो छोड़ देते हैं। तो इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि आप अर्ली ऑन अपने लिए बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट लर्निंग रिसोर्स क्या है और बेस्ट रोड मैप क्या है जो आपको फॉलो करना है, वो फिगर आउट कर लो। अदरवाइज क्या होता है, आप स्विच करते रहोगे। जनवरी में आपने एक यूट्यूब चैनल से पढ़ाई किया, फेब में आप दूसरे के पास चले गए, मार्च में किसी और के पास चले गए, 4 महीने आप एक रोड मैप पे लगे हुए थे, सडनली से यू रियलाइज कि यार ये रोड मैप अच्छा नहीं है, 4 महीने बाद आप दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो, तो इससे आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और आउटपुट लो हो जाएगा। तो प्लीज बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस एंड ट्रस्ट मी, इट वुड हेल्प यू। सेकेंड, एक चीज मैंने जो अच्छे स्टूडेंट्स में नोटिस की वो ये है कि वो लोग अकेले नहीं पढ़ाई करते हैं, दे नो कि इट्स अ बिग जर्नी, मुझे शायद 1-1.5 साल लगेगा ये पूरा सिलेबस अच्छे से समझने में और पढ़ने में, तो मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज अकेले करने में फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन करने में क्या होता है, आप क्विट कर देते हो। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक स्टडी ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, 2-3 स्टूडेंट्स मिल करके ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और वो साथ में डिसाइड करते हैं कि इस वीक हमारा लर्निंग प्लान क्या है, तो हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो सभी टॉपिक्स पढ़ते हैं, कुछ भी नया मिलता है तो शेयर करते हैं। और मैंने तो कुछ ग्रुप्स में देखा है कि सैटरडे को वो लोग एक दूसरे को पढ़ाते हैं, लाइक मैंने अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, सामने वाले ने कोई और टॉपिक पढ़ा, तो सैटरडे को मैं टॉपिक ए पढ़ा रहा हूँ, सामने वाला बंदा टॉपिक बी पढ़ा रहा है, तो एक ही हफ्ते में हमने 2-3 टॉपिक्स कवर कर लिए। फिर एक और अच्छी बात क्या होती है कि यार आज मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ बिकॉज मैंने 4 जगह अप्लाई किया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो सामने वाला बंदा मुझे मोटिवेट करेगा कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, मे बी हमें और कोशिश करनी चाहिए, और पढ़ाई करना चाहिए, और अपस्किल करना चाहिए। तो टीम में रह करके पढ़ने से ना आपका समहाउ मैंने देखा है कि जो आउटपुट होता है वो इम्प्रूव कर जाता है। तो आप अपने पीयर्स को खोजो, कहाँ से खोजोगे, बहुत सारे तरीके हैं, हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके डिस्कॉर्ड सर्वर्स चलते हैं, आप वहां पे जाकर के अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और बोलो कि मैं इस तरह का एक स्टडी पार्टनर खोज रहा हूँ, आई एम प्रिटी श्योर लोग आपको रिप्लाई करेंगे। तो फॉर्मिंग अ ग्रुप, अ स्टडी ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, बहुत बड़ा चैलेंज जो मैंने बहुत नोटिस किया है मेरे पेड स्टूडेंट्स में, हर कोई बोलता है कि सर जो भी आपने पढ़ाया समझ में आ गया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा जो कंटेंट है हम उसको रिटेन कैसे करें। जैसे कि मान लो आप लेवल 4 पे हो, डीप लर्निंग पढ़ रहे हो,
तो कैसे मेक श्योर करें कि हमने जो लेवल 2 में पढ़ा था मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, वो हमारे दिमाग में अभी भी फ्रेश रहे? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है कि आप क्या करो, आप अपनी लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंट करने के कई तरीके हैं। पहला ये है कि आपने कुछ पढ़ा, आप उसके ऊपर एक ब्लॉग लिख दो, या फिर एक यूट्यूब वीडियो बना दो, या फिर किसी को पढ़ा दो। इन सारे तरीकों से क्या होता है कि आपका जो लर्निंग है वो डॉक्यूमेंट हो जाता है। आप जैसे ही आपने अपने दिमाग में रिपीट किया, नोट्स बनाए, तो फिर वो पक्का हो जाता है, वो ठहर जाता है। पूरी तरीके से नहीं भी तो 70-80% आप रिटेन कर लोगे। और सेकेंड एक बहुत इफेक्टिव तरीका ये है कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। प्रोजेक्ट्स में सिंस आप कर रहे होते हो कोई चीज, जब आप करते हो ना, तो वो आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से याद रखता है। आई गेस आप अग्री करोगे कि आपको आज की डेट में याद नहीं होगा 4 साल पहले आपने कोई एग्जाम दिया था तो उसमें पढ़ाई क्या की थी, बट अगर आपने उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आपने चीटिंग करके पढ़ा होगा ना या लिखा होगा, तो वो क्वेश्चन और उसका आंसर भी आपको याद होगा, राइट? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब आप कोई चीज प्रैक्टिकली करते हो तो वो आपका मसल मेमोरी बन जाता है। मसल मेमोरी ज्यादा रोबस्ट होता है, ज्यादा दिनों तक चलता है इन कंपैरिजन टू आई डोंट नो दिमाग में जो मेमोरी है। सो या डॉक्यूमेंट योर लर्निंग, इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल बिकॉज बहुत बड़ा सिलेबस है, रिटेन करना भी जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट योर लर्निंग। एंड द लास्ट वन इज बी स्मार्ट, बी सेलेक्टिव। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज उतनी अप्लाई नहीं होती है। जस्ट डू अ क्विक सर्च, लोगों से पूछ सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, थोड़ा खुद से रिसर्च कर सकते हो कि क्या ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ ये सच में उतना इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको मैं स्किप करके बाद में भी पढ़ सकता हूँ। ये आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, और ये डिसीजन मेकिंग करने से क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। आप अगर आपको 10 घंटे पढ़ना है तो अब हो सकता है 8 घंटे में भी आपका काम चल जाए। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। जनरली आपको अपने टीचर्स से पूछना चाहिए ये चीज। चैट जीपीटी इज अ गुड ऑप्शन, वहां पे भी आप पूछ सकते हो, बुक्स में भी इस तरह का नॉलेज बहुत दिया रहता है। तो जस्ट जस्ट बी अवेयर कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं सेलेक्टिव हूँ, मैं सब कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मैं उन चीजों को पढ़ता हूँ जो मेरे लिए क्रिटिकल है और आगे की चीजों के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये 3-4 चीजें अगर आप सही से फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा इफेक्टिवली ये इतना बड़ा जो चैलेंज है डेटा साइंस सीखने का 1 साल में, वो आप अचीव कर पाओगे। अब गाइज कुछ मिस्टेक्स की भी बात करते हैं जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया अपने स्टूडेंट्स में, और मैं चाहूंगा कि आप ये मिस्टेक्स 2024 में ना करो। कॉमन मिस्टेक्स हैं ये। सबसे पहला मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ। पहला मिस्टेक है सिर्फ थ्योरी पे फोकस करना और प्रैक्टिकल्स भूल जाना। मुझे याद है एक स्टूडेंट ने मुझे कुछ दिन पहले मैसेज किया और उसने बोला कि सर हेल्प मी प्लीज, मैंने आपके 200 से ज्यादा वीडियोस देखे हैं बट आज भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता डेटा साइंस में, मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं बना बना पाता हूँ खुद से। तो मैंने उससे बस एक ही सवाल पूछा कि ठीक है, माना आपने 200 वीडियोस देखे हैं, आप मुझे ये बताओ कि आपने कितने डेटा सेट्स पे आज तक काम किया है। तो ही सेड 0। इसका ये मतलब हुआ कि वो बंदा यूट्यूब खोलता था और मेरे वीडियोज लाइन से देखता चला जाता था। अब यार ये काम आसान है, मतलब आपको आ जाएगा समझ में जो मैं समझा रहा हूँ, राइट? ज्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि जो आपने समझा है क्या आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो किसी डेटा सेट के ऊपर। डेटा साइंस बहुत ट्रिकी फील्ड है, इट्स नॉट थ्योरेटिकल। ऑल दो थ्योरी बहुत है बट इट इज नॉट थ्योरेटिकल, इट इज एक्चुअली प्रैक्टिकल। आपको उस थ्योरी को अप्लाई करना आना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने लेट्स से एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पढ़ा, लेट्स से आपने SVM पढ़ा, तो अब आपका काम क्या है कि आप एक डेटा सेट उठाओ और उसके ऊपर SVM को लगा के देखो, सारे हाइपर पैरामीटर्स चला के देखो, और अपने रीडिंग्स को नोट करो और खुद से पूछो कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, फिर उसको इम्प्रूव करो। तो ये करने से ना आप एक्चुअली डेटा साइंस सीखोगे रादर देन जस्ट वॉचिंग 10 लेक्चर्स ऑन SVM। इट विल गिव यू नथिंग, इवेंचुअली आप भूल जाओगे, बट अगर आपने उसको अप्लाई कर लिया ना, फिर वो आपके दिमाग में सॉलिडिफाई हो जाएगा और वो एक्चुअल लर्निंग है। सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक कि आप बस बैठ रहे हो, लेक्चर्स देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो, वो आपको हेल्प नहीं करेगा लॉन्गर रन में। गोइंग ऑन टू कैगल, डाउनलोडिंग डेटा सेट्स, अप्लाइंग योर नॉलेज ऑन दैट डेटा सेट, वो सही है, ठीक है? सेकेंड सेकेंड है स्किपिंग स्टेप्स। ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं अगेन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने एक स्टूडेंट का। उसने मुझे कॉल किया कुछ दिन पहले और उसने मुझे बोला कि सर आई नीड योर हेल्प, मैं एक्चुअली GenAI और LLMs के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि
मुझे कोई भी अच्छा रिसोर्स नहीं मिल रहा जहां से मुझे समझ में आए। बेसिकली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जेन ए आई और एलएलएम्स काम कैसे करते हैं। तो मैंने उससे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आपका लर्निंग बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या क्या पढ़ रखा है। तो ही सेड कि सर मैंने पाइथन वाइथन कर रखा है, पैंडास वगैरह मुझे आता है, और मैंने थोड़े बहुत मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीखे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आपने डीप लर्निंग पढ़ा है। तो ही सेड नहीं सर, मैंने डीप लर्निंग नहीं पढ़ा, सिंस अभी इंडस्ट्री में बहुत बात हो रही है जेन एआई की, एलएलएम्स की, तो मुझे लगा कि मुझे डायरेक्टली पढ़ना चाहिए। अब ऑब्वियसली उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी, बिकॉज अगर आपको एलएलएम्स को मास्टर करना है तो आपको डीप लर्निंग आना चाहिए, आपको डीप लर्निंग मास्टर करना है तो आपको मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स आने चाहिए, अगर आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आपको एमएल ऑप्स आना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें करनी है तो आपको पाइथन आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए। तो ये जो रोड मैप मैंने आपके लिए बनाया है ये एक्चुअली सीक्वेंशियल है, यहाँ पे कोई पैरेलल पाथ नहीं है, वो एक एनएलपी वाले को छोड़ के सब कुछ आपको सीक्वेंशियली कवर करना पड़ेगा, एंड यू कैन नॉट स्किप एनी स्टेप। आप नहीं कर सकते ऐसा कि आपने मैथ्स और पाइथन पढ़े बिना मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इट विल नॉट वर्क। अगर आप ऐसी कोशिश करोगे तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ आपके साथ क्या होगा, आप 1-2 महीने ट्राई करोगे, फ्रस्ट्रेट होगे और फिर आप रीस्टार्ट करोगे, और ये आप बार बार करोगे और आपका 2024 निकल जाएगा। सो बी स्मार्ट अबाउट इट, खुद को बोलो, पेशेंस रखो और स्टेप बाय स्टेप सारे लेवल्स कवर करो, और ऑटोमेटिकली आप लेवल 5 तक भी पहुंच जाओगे और आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट भी बन जाओगे, जस्ट बी पेशेंट, ठीक है। थर्ड, अगेन समथिंग जो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है, इम्प्रैक्टिकल डेडलाइंस। स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे 3 महीने में डेटा साइंटिस्ट बना दो। मैं मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या रिप्लाई करूं। डू यू रियली थिंक इस फील्ड में इतनी सारी चीजें जो आपको पढ़नी है ये आप 3 महीने में पढ़ के एक जॉब ले लोगे? अगर आप ले लोगे तो ट्रस्ट मी वो लक है, आप सही टाइम पे सही जगह हो इसलिए आपको वो जॉब मिला होगा, अगर ऐसा कोई बंदा है जिसने 3 महीने में डेटा साइंस कवर करके जॉब ले ली। अदरवाइज प्लीज सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस अपने हिसाब से, आपको लेवल 1 पे अगर 2 महीने लगने हैं तो 2 महीने लगने हैं, आपको लेवल 2 पे 3 महीने लगने हैं तो आपको 3 महीने लगने हैं। यू कैन नॉट से कि मैं 1 हफ्ते में लेवल 1 कर लूंगा, 1 हफ्ते में लेवल 2 कर लूंगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप अपने लिए अनरियलिस्टिक डेडलाइन सेट करते हो, बिकॉज उससे आपके पूरे सिस्टम पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, आप सही से पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका दिमाग सही से काम कर रहा हो। आपने अपने दिमाग को बोल रखा है कि भाई मुझे 2 दिनों में 2 महीने की चीज पढ़नी है, कहां से आप समझ पाओगे? ऊपर से ही सारी चीज डिफिकल्ट है समझने में। तो प्लीज अपने ऊपर दया करो, पेशेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू टू हैव इन दिस जर्नी, और रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करो, देखो सीक्वेंशली चीजें कवर करके कितना मजा आएगा और इवेंचुअली आप कितने बढ़िया डेटा साइंटिस्ट बनोगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ कमिटमेंट। सो ये भी एक चीज है जो मैंने देखा है आजकल के स्टूडेंट्स में। बहुत सारे लोग हैं डेटा साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मिडवे दे रियलाइज कि यार डेटा साइंस में तो फ्रेशर्स की उतनी जॉब्स नहीं है, बट हाँ मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये कंपनी डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए हायर कर रही है तो चलो मैं डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर करने लग जाता हूँ। डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सडनली से आपने न्यूज सुनी कि यार डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत सही है, वहां पे ज्यादा आसान होता है एंट्री करना, तो आपने वो भी छोड़ दिया, आप डेटा इंजीनियरिंग में घुस गए, और ऐसा करते करते आप बस पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो। आपने कोई भी चीज को मास्टर नहीं किया, ना आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन पाए, ना आप अच्छे एनालिस्ट बन पाए, ना आप इंजीनियर बन पाए। तो ये मत करो यार, आप अगर साल की शुरुआत में अपने अभी के नॉलेज के बेसिस पे ये डिसाइड कर रहे हो कि यार मुझे लगता है आई कैन बी अ गुड डेटा साइंटिस्ट, तो यार आपने कमिटमेंट की है उस पर स्टिक करना होगा आपको 1 साल, और आपको पढ़ना होगा। मेरे आसपास जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं, जिन लोगों ने जॉब्स क्रैक की हैं, मुझे मैसेजेस किए हैं, थैंक यू बोला है, मैंने एक कॉमन चीज नोटिस की उन लोगों के अंदर कि वो पिछले 1 साल 1.5 साल लगे रहे डेटा साइंस में। मतलब वही बंदा मुझे 2 महीने पहले भी मैसेज किया, वही बंदा मुझे 4 महीने पहले भी मैसेज किया, वही बंदा मुझे 8 महीने पहले भी मैसेज किया, और एवरी टाइम जब भी उसने मुझे मैसेज किया उसका क्वेश्चन वॉज ऑलवेज अराउंड डेटा साइंस। तो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास कमिटमेंट नहीं है और आप बहे चले जा रहे हो, कभी आप डेटा एनालिस्ट की पढ़ाई कर ले रहे हो, कभी आप डेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ले रहे हो, तो फिर यार बहुत फंडामेंटल लेवल पे कुछ गड़बड़ है, वाई लेवल पे कुछ गड़बड़ है, आप बनना क्यों चाहते हो आपको यही शायद नहीं पता, आप पैसों के पीछे भाग रहे हो। डोंट बी दैट गाय। अभी भी 4-5 दिन बचे हुए हैं 2023 में, मैं तो बोलूंगा ज्यादा फोकस
इस चीज पे करो, पहाड़ों पे चले जाओ, हिमाचल छुट्टी वुट्टी मनाओ, और खुद से बात करो और पूछो क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो। एक बार जब वो आंसर मिल जाए, वापस आओ, कमिट करो और 1 साल तक लगे रहो, फिर आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। मोस्टली चीजें ऐसे ही अचीव होती हैं। ठीक है, तो ये 4 मिस्टेक्स मत करना। बहुत स्टूडेंट्स को देखा ये गलती करते हुए। आई डोंट वॉन्ट कि आप लोग ऐसी गलती 2024 में करो। तो फाइनली मैं आपके साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प करेगा ये पूरा रोड मैप कवर करने में। तो मैं आपके साथ फ्री और पेड दोनों रिसोर्सेज शेयर करूंगा लेवल बाय लेवल। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट लेवल 1, जहाँ पे आप प्रिपेयर करते हो डेटा साइंस के लिए, कोडिंग, मैथ्स एंड टूल्स। इन तीनों को कवर करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, और अगर आप पहले से मेरे चैनल पे एक्टिव हो तो आपको शायद पता होगा इस प्लेलिस्ट के बारे में। इस प्लेलिस्ट का नाम है डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये एक्चुअली हमारा एक पेड कोर्स है, बट इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने फ्री में यूट्यूब पे डाल रखे हैं। तो आई वुड रिकमेंड आप इस प्लेलिस्ट को कवर करो, ठीक है, सीक्वेंशली। और कहाँ तक कवर करो, आप कवर करो इसको 143 नंबर वाले वीडियो तक। ठीक है, आई नो काफी सारे वीडियोस हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारे लेक्चर्स देख लेते हो, इसमें कुछ पेड लेक्चर्स भी हैं, बट ट्रस्ट मी, पेड लेक्चर्स अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आप 80-90% समझ जाओगे। इतना फ्री कंटेंट इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये तीनों टॉपिक्स आपके झट से कवर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 पे जहाँ पे आपको मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है, तो इसके लिए मैं आपको मेरी 2 प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। सो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग टेक्निक्स के लिए आई वुड रिकमेंड अ वेरी फेमस प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल। इनफैक्ट मेरी पर्सनली सबसे प्लेलिस्ट फेवरेट और सबसे फेमस प्लेलिस्ट है ये। इस प्लेलिस्ट का नाम है 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बहुत प्यार से कवर किए हैं, और कुछ मशीन लर्निंग टेक्निक्स भी यहाँ पे कवर्ड है। तो ये अगर आप देख लेते हो, इसमें सारे वीडियोस फ्री हैं, आप अगर इसको देख लेते हो तो आपका ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब बात आती है प्रोजेक्ट्स की। तो प्रोजेक्ट्स के लिए भी मेरे पास एक प्लेलिस्ट है, इट्स कॉल्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको लाइन से ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो आप खुद भी बना सकते हो, और इस टाइप के थोड़ा इंस्पायर होके थोड़े अलग प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। तो इस पार्ट को कवर करने के लिए ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, बात करते हैं लेवल 3 की। अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट पे मेरे यूट्यूब चैनल पे लेवल 3 को कवर करने के लिए कोई प्लेलिस्ट नहीं है, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, ये थोड़ी नई फील्ड है, पिछले 3-4 सालों में बहुत पॉपुलर होने लगी है। तो टेंशन नहीं है, मैंने डिसाइड किया है राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ 2024 आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल ऑन MLOps। तो वहां पर मैं MLOps के सारे प्रिंसिपल्स भी कवर करूंगा और MLOps के टूल्स भी कवर करूंगा, एंड एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड वहां पर होगा। तो आइडिया ये है कि आपका लेवल 3 हेल्प करेगा, मतलब वो प्लेलिस्ट। तो अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करना, तब तक मैं वो प्लेलिस्ट बना करके ऐड कर चुका हूँगा। सो या दिस इज माय प्लान फॉर लेवल 3। गुड थिंग इज, अगर आप लेवल 4 की बात करो तो लेवल 4 के लिए मेरे पास कुछ कंटेंट है आपके लिए, और वो है ये प्लेलिस्ट, 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग प्लेलिस्ट। हालांकि ये प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं है, इन प्रोग्रेस है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अगले 1-2 महीने में ये प्लेलिस्ट कवर हो जाएगी। बट स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सारा कंटेंट है, ANN, CNN, RNN, हाउ टू इम्प्रूव अ न्यूरल नेटवर्क, ये सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, और डिटेल में कवर्ड है, ये छोटे छोटे वीडियोज नहीं है, जैसा कि आप देखोगे 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट, बड़े बड़े वीडियोज हैं, काफी डिटेल में कवर किया हुआ है। तो ये प्लेलिस्ट आपको हेल्प करेगी ये पार्ट कवर करने में। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मेरे चैनल पे डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि ये डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। तो अगेन अर्ली 2024 में मैं एटलीस्ट
दो चार प्रोजेक्ट्स डीप लर्निंग के ऊपर बना के डालने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं एनएलपी की। एनएलपी मेरे चैनल पे कवर्ड है, पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली। तो दिस इज द प्लेलिस्ट। यहाँ पर एनएलपी के जो फंडामेंटल्स हैं वो मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखे हैं, आप ये वीडियोस देख सकते हो। ज़्यादा नहीं है, 8-9 वीडियोस हैं, 8 वीडियोस एक्चुअली, और एक प्रोजेक्ट भी कवर्ड है, तो आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा। और बाकी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डीप लर्निंग यूज़ करके एनएलपी कैसे किया जाता है उसके वीडियोज भी डाल दूंगा। इफ यू आर आस्किंग अबाउट कंप्यूटर विजन, अनफॉर्चुनेटली मेरा अभी तक इस डायरेक्शन में फोकस नहीं गया है कि मैं कंप्यूटर विजन के ऊपर कंटेंट बनाऊं। सो रियली सॉरी अबाउट दैट। इसके लिए आप दूसरे चैनल्स रेफर कर सकते हो। एनएलपी रिलेटेड कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और अब फाइनली आते हैं लेवल 5 पे। तो अगेन सॉरी, लेवल 5 इज समथिंग जो मैंने अभी तक अपने चैनल पे कवर नहीं किया है। इनफैक्ट बस एक ही वीडियो है एलएलएम्स के बारे में, जो पूरा जर्नी बताता है एलएलएम्स कैसे पिक्चर में आए। उसके अलावा मैंने ज़्यादा कंटेंट अभी कवर नहीं किया है। उसके दो रीजंस हैं। पहला, अभी मैं खुद साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एलएलएम्स और जेन एआई का ग्रोथ कैसा चल रहा है। एकदम ही नई टेक्नोलॉजी पे कूद पड़ना भी समझदारी नहीं है, तो मैं बस थोड़ा टाइम दे रहा था कि इंडस्ट्री कैसे अडॉप्ट कर रही है। अभी तक चीज़ें पॉजिटिव में दिख रही हैं, तो 2024 विल बी द ईयर जहाँ पे मैं भी कूदूंगा इसमें, और आई विल ऑल्सो क्रिएट कॉन्टेंट, आई विल ऑल्सो मेक गुड क्वालिटी वीडियोज ऑन जेन एआई एलएलएम्स। तब तक के लिए आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स को रेफर कर सकते हो। कृष नायक सर ने बहुत अच्छे वीडियोज बनाए हैं, मैंने देखा है। धवल सर ने कोड बेसिक्स में बहुत अच्छे वीडियोज बनाए हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई विल मेक वीडियोज ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो अगेन सैडली ये दोनों भी कवर्ड नहीं है। तो ये तो बात हो गई फ्री रिसोर्सेज की, और क्या क्या कवर्ड है, क्या क्या कवर्ड नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ एक पेड रिसोर्स के बारे में। सो जो लोग मेरे चैनल पे बहुत दिन से वीडियोस देख रहे होंगे उनको पता होगा शायद कि हमारा एक पेड कोर्स भी है, जिसका नाम है डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये कोर्स मैंने बनाना शुरू किया था पिछले साल नवंबर में, 2022 नवंबर में, और अभी भी इस कोर्स के ऊपर काम चलते ही जा रहा है। बहुत ही बड़ा कोर्स है, अराउंड 600 घंटे का कॉन्टेंट है। और मैंने जब इस कोर्स को स्टार्ट किया था तो मैंने दिल पे ले लिया था कि मुझे डेटा साइंस का बेस्ट कोर्स बनाना है, और बहुत मेहनत की है पिछले 1 साल, और प्रोबेबली 1 साल और करूंगा टू मेक दिस कोर्स अ वेरी गुड कोर्स। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड और आपको लगता है कि मुझे 4, 5, 10 जगहों से अलग अलग जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट वन यूनिफाइड रिसोर्स जहाँ पे सब कुछ मुझे मिल जाए, थ्योरी भी मिल जाए, प्रैक्टिकल भी मिल जाए, प्रोजेक्ट्स भी मिल जाए, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। मैं आपको पहले से थोड़ा एक चीज क्लैरिफाई कर दूंगा। इस कोर्स में जब आप एनरोल करोगे तो आप एक्चुअली लेवल 1 से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको मिलेगा, लेवल 2 से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा, और लेवल 3 से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली लेवल 4 और लेवल 5 इस पेड कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये मैं पहले से क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इन दोनों के लिए आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू पेड कोर्स अगले साल, उसके डिटेल्स मैं आगे शेयर करूंगा। बट या अगर आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सही से मास्टर करना है तो दिस कैन बी अ गुड कोर्स। इसके बहुत सारे वीडियोज फ्रीली अवेलेबल हैं, मैंने आपको दिखाया भी था, आप ये वीडियोज देख करके डिसाइड कर सकते हो, आपको पहले से डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स। एंड वॉट आई हैव प्लान्ड, अगला 1 वीक मैं एक डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको। करेंटली ये कोर्स 10,600 का है, और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स देने में या प्रमोट करने में बिलीव नहीं करता हूँ, बट आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिस्काउंट फॉर नेक्स्ट 7 डेज। द डिस्काउंट विल बी ऑफ 10%। तो 10% लगाने के बाद ये शायद 9,600 के आसपास का कोर्स पड़ेगा। सो यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स, एंड दैट्स इट आई गेस। इतनी ही बातें मुझे आपको बोलनी थी इस वीडियो में। बाकी ऑन अ वेरी वेरी
ऑप्टिमिस्टिक नोट, आई विश कि आप 2024 में जो भी डिसाइड करो आप अच्छे से उसको अचीव करो। भगवान करे 2024 आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर बने, और एआई के टर्म्स में आई होप कि काफी ग्रोथ हो और एआई जस्ट विल बिकम अ टेक्नोलॉजी जो दुनिया को और इम्प्रूव करे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।